my channel. Please click the subscribe button. Press the bell icon for no- It doesn't always mean that somebody is not intelligent, or if somebody is intelligent, they can't be beautiful. In fact, intelligence is beauty, and something that appeals to your mind does appeal to your eyes as well, right? And just like you told me before, कि प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हैं, दे आर नॉट 100% केमिकल, सो एंड अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है उन प्रोडक्ट्स की, सो विच इज़ व्हाई व्हेन आई हर्ड द दिस कॉन्सेप्ट एंड दे केम टू मी, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू बी द फेस ऑफ दिस प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट का फेस होने से पहले हम रिसर्च करते हैं. इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने बताया आपके बारे में. आपने कितना रिसर्च किया था? क्योंकि ये जी मैंने यूज़ करना शुरू, सबसे अच्छा रिसर्च होता है प्रैक्टिकल यूज़ करना. थियोरी में आप चाहे कितना भी कुछ भी पढ़ लें, जब तक आप उस चीज़ को ट्राई करके नहीं देखते, उस आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू नो हाउ गुड और बैड सर्टन प्रोडक्ट इज. सो आई यूज्ड इट फॉर अ व्हाइल एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट, सो देन आई न्यू आई मेड द राइट डिसीजन. इंडस्ट्री में फेस की क्या इंपॉर्टेंस है और आप कितना क्या करते हैं फेस में? जी फेस की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी फेस के थ्रू हम इनैक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. और केयर करने के लिए मैं बहुत बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो करती हूँ, लाइक यू नीड टू पुट सनस्क्रीन, यू शुड पुट नाइट क्रीम्स, लाइक आई ऑल्सो लव टू यूज द बॉडी लोशन, आई थिंक इट मेक्स माई स्किन वेरी सॉफ्ट. So yeah, that's all. And drink lots of water, guys. Please drink lots and lots and lots of water. Very important. Monica, sir, ne ab tak ka kis tarah ka experience raha hoga? Jaise maine pehle mention kiya tha, she's very intelligent. इसीलिए when you work with well-read celebrities or when you work with intelligent people, आपका काम बहुत आसान हो जाता है. तो मुझे ज़्यादा पिच नहीं करना पड़ा. When I spoke to her, she said, अच्छा प्रोडक्ट भेजो, मैं देखती हूँ. फिर प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसने बोला, अच्छा स्क्रिप्ट भेजो, पहले स्टोरी पूछो. तो जब स्टोरी पूछा तो मैंने पर्सनली थोड़ा बोला कि आई वॉन्ट टू टॉक टू हर एंड टेल हर वाई, बिकॉज उनके लिए भी क्या होता है, उनके पास इतने एंडोर्समेंट्स ऑफर्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रिलेटेड आते ही रहते हैं. तो द फर्स्ट द फैक्ट इज जो रिलेटेबिलिटी होता है प्रोडक्ट के साथ, या आप जो कर रहे हो उसके साथ अगर आपका मन एकदम 100% जुड़ जाता है ना, देन द एसोसिएशन बिकम्स वेरी ईजी. सो उनके साथ जब हमने फर्स्ट टाइम बात करना था, यू नो वट, हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा है और इसके ऊपर हम बिल्ड करें, जी सर आई एम ऑन इट. अगर आप ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो और इस तरह के लाइन्स आप बोल रहे हो, तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ. तो मेरे पास ऑफन ही क्वेश्चन आता है कि ये एक्चुअली आम लड़कियों की बात है, हम सब फेस करते हैं अपने ऑफिस में, तो ये आम लड़की के साथ हम लोग क्यों नहीं करते? ये स्टोरी तो मैं कोई लड़की के साथ भी कर सकती हूँ, कोई मॉडल के साथ, पर मेरा एक उसमें फंडा ये रहता है कि ये लोग सेलेब्स हैं, इनका जो स्क्रीन इमेज है इनसे ये लोग बहुत लाखों लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो शायद आज मैं खड़े होकर अगर बोलूँगी तो आप में से 5 जने जो यहाँ पे आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो समझेंगे, पर जो करोड़ों जनता आगे खड़ी है उनके लिए हमें एक इस तरह का स्टोरी चाहिए और इस तरह की पर्सनैलिटी चाहिए. सो द मोमेंट वी स्पोक अबाउट दैट, इनके साथ ज़्यादा हमें हैसल्स नहीं होते. अच्छी बात ये है कि ये लोग बहुत अच्छे, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया. और आपने देखा होगा एड में ऑड्री हेपबर्न की पिक्चर लगी हुई है पीछे, महारानी गायत्री देवी के बारे में ऑटोबायोग्राफी की बुक है. तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लग रहा था आई एम इन माय बेडरूम, सो आई हैड अ गाला टाइम. बहुत बुक्स पढ़ती हैं, शी इज वेरी वेल रेड, उसको कॉन्सेप्ट समझाने में प्रॉब्लम ये होता है. बस अब हम ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे. ऐसे प्रोडक्ट्स को किस तरह से देखा जाता है, वो प्रोडक्ट का पीछे पढ़ के बोलते ओके. तो ये भी होता है ना कि नॉट बिकॉज यू आर गेटिंग यू टू एंडोर्स एनी प्रोडक्ट, उसके भी आई एम श्योर बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास आते हैं, भी करती भी हैं, बट शी नो शी विल लुक बैक, उसमें से हमें भी पता लग जाता है कि अच्छा यू नो यू
हैव तुम्हें कॉन्शियसली इस सेलेब के साथ काम करना है, आपको पता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी 100% है इंडस्ट्री में. सबसे खूबसूरत कौन सी सेलेब है आपके बारे में आपको छोड़ कर आप तो नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा डिफाइन नहीं करना चाहिए. हाँ, खूबसूरती को डिफाइन नहीं करना चाहिए. सब बहुत सुंदर है. आप किसका नाम लोगे और किसका नाम छोड़ोगे. अभी प्रेजेंटली दीपिका का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि शी लुक लाइक अ ब्यूटीफुल ब्राइड. And she had a glow, na? Oh my God, she looks so pretty, so pretty. Madhuri ma'am, Bhaita ji, meri all-time favorite hai. आप खुद ही हेल्थी और फिट रहती हैं हमेशा, इसके लिए डेली का रूटीन क्या रहता है आपका? बहुत सारी स्ट्रेचिंग. मैं मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो मैं वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर नहीं पाती, सो आई ट्राई टू डू योगा एंड स्ट्रेचिंग. इसके अलावा ये साल पूरा फुल जा रहा है आपका, देखा जैसे एक्टिंग करने के बाद तीन मूवी आ रही है बैक टू बैक, जॉन के साथ में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और इसके बाद में अमिताभ और ये आलिया भट्ट रणबीर कपूर, क्या कहना चाहेंगे? तो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी लकी टू हैव वर्क विद दीज पीपल. ऑल ऑफ देम हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव. इतने गिविंग एक्टर्स हैं, बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को और रोज थैंक यू बोलती हूँ उन्हें भी और गॉड को भी. अच्छा, जॉन के साथ में जो मूवी है वो कंप्लीट हो चुकी है, उनके साथ में स्पेशली किस तरह से रहा? बहुत अच्छा रहा. ही इज, उनके बारे में एक बात है कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, यू नो, इतने डाउन टू अर्थ है. आप जब पहले पहले जाते हो तो आपको लगता है कि आप कैसे इंटरेक्ट करोगे या कैसे लाइन्स करोगे, आपको थोड़ी सी हिचक होती है, बट यू डोंट फील लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ हिम एट ऑल. ही इज सच अ गुड पर्सन. ही टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी. ही रिहर्स विद यू लाइक 5 times, सो आई हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. फाइनल 2 questions में अमिताभ के साथ कितने सीखने के लिए? मैं मर सकती हूँ अभी. मैं आई कैन डाई राइट नाउ आफ्टर डूइंग दिस सीन विद हिम. इससे बड़ी और कुछ मैं बात ही नहीं कर सकती. आई वॉज लाइक अ लिटिल पपी डॉग अराउंड हिम. आई वॉज गोइंग अप टू हिम एंड सेइंग सर आई एम अ बिग फैन. देन आई वॉज गोइंग अप टू हिम आई वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट समथिंग. अच्छा, सेट की मेमोरी जो स्टार्ट में जब आपने कुछ उन्हें कुछ एडवाइस दिए हो हैं अमिताभ बच्चन ने जो कुछ आपको एडवाइस दिया हो? नहीं, इस तरह से तो नहीं. आयान होते ही थे सेट पे बोलने के लिए. I मेरा फोकस हिल गया था उस दिन. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम. आई वॉज जस्ट स्टेयरिंग एट हिज फेस थिंकिंग आई एम दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद ही इज लेजेंडरी. सो आई एम जस्ट आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी. फाइनली मैम, रणवीर दीपिका के लिए क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे और अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? रणवीर दीपिका को ये बोलना चाहूँगी, विश यू अ वेरी वेरी मीनिंगफुल अ लवली द लवलीस्ट जर्नी अहेड टू बोथ ऑफ यू. यू गाइस आर माय फेवरेट कपल. एंड अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने सालों से मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया, प्लीज़ आगे भी इतना ही प्यार देते रहिए. ये बहुत ही स्पेशल कैंपेन है मेरे लिए. इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. प्लीज़ यूज इट एंड देन डिसाइड वेदर यू लाइक इट और नॉट. बट गो आउट देयर, बाय इट, गेट इट, एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड.